अच्छा बेटा, कल जो पढ़ रहे थे हम अल्डिहाइड की प्रिपरेशन जो है पंजाब की बुक से हमने पढ़ लिया था, फॉर्मल डेट, एस्टर डेट, लेबॉर्टरी प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, ठीक। फेडरल की बुक से हमने पढ़ लिया था, जनरल प्रिपरेशन थी। आपको मैंने बताया था कि फेडरल की बुक में जनरल प्रिपरेशन है, ठीक है, उसमें वो भी पढ़ लिया था। एक रिएक्शन रह गया था उसके अंदर, हमने आखिर में मैंने आपको एरोमेटिक कीटोन पढ़ा दिया था, एरोमेटिक कीटोन क्राइडर क्राफ्ट ऑक्सीडेशन के जरिए, एरोमेटिक अल्डिहाइड रह गया था, एक रिएक्शन इसका रह गया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और जो है केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शंस, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड, तो अब देखो ये बेंजाइल अल्कोहल है, देखो बेटा बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल है ये, और जब इसके हम ऑक्सीडेशन करते हैं, बेंजाइल अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं K2Cr2O7 एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनेगा? देखो ऑक्सीडेशन हो जाएगी, एक हाइड्रोजन ये निकलेगी और ये एक हाइड्रोजन निकलेगी, दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगी और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और बन जाएगा बेंजाइल अल्डिहाइड, बेटा एरोमेटिक अल्डिहाइड बन जाएगा। देखो ये दोनों हाइड्रोजन निकलेंगी, ये बेंजाइल अल्कोहल है, दोनों हाइड्रोजन ये निकलेगी, ये हाइड्रोजन निकलेगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और देखो बन जाएगा बेंजल अल्डिहाइड, क्या आएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, इधर एच, बेंजल अल्डिहाइड बन गया। और प्लस में वाटर बन जाएगा। तो ये लास्ट इसकी थी, एक रह गई थी प्रिपरेशन, ठीक है, अभी मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्डिहाइड कीटोन की, देखो अल्डिहाइड कीटोन के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप होता है, ये ग्रुप है, और इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड पोलर है। बेटा कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो पोलर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाती है, और कार्बन के ऊपर कौन सी चार्ज आती है? पार्शियल पॉजिटिव, बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। देखो बॉन्ड जब शिफ्ट हो जाता है, और वैसे भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड पोलर बन जाता है। तो इनके अंदर डायपोल डायपोल इंट्रेक्शन होगी, बेटा ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड पोलर, तो इनके अंदर अट्रैक्शन कौन सी होगी? डायपोल डायपोल इंट्रेक्शन होती है इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और डायपोल डायपोल इंट्रेक्शन होगी तो जाहिर इसका मेटेरियल वालीपन भी ज्यादा होगा, डायपोल डायपोल इंट्रेक्शन की वजह से इनका मेटेरियल वालीपन अल्केन से ज्यादा है। बेटा जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, देखो मेल्टिंग पॉइंट, तो इनके अंदर कौन सी अट्रैक्शन होगी? डायपोल इंट्रेक्शन होती है, ठीक है बेटा, डायपोल डायपोल इंट्रेक्शन है, सीओ बॉन्ड इज पोलर, अच्छा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मोर देन अल्केन, अल्केन से ज्यादा होंगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज्यादा एंड लेस देन अल्कोहल, अल्कोहल से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि अल्कोहल ज्यादा पोलर है। बेटा अल्कोहल का
अंदर हाइड्रोजन बर्निंग होती है, अल्कोहल ज्यादा पोलर है क्योंकि डायपोल डायपोल इंट्रेक्शन से हाइड्रोजन बर्निंग स्ट्रांगर है। देखो डायपोल डायपोल इंट्रेक्शन से हाइड्रोजन बर्निंग क्या होती है, स्ट्रांगर होती है, इसलिए जो अल्कोहल है उनका मेल टू उबालीपन क्या होता है, ज्यादा होता है, जबकि इनका मेल टू उबालीपन अल्केन से ज्यादा है। ठीक है, मोर सोल्यूबल देन अल्केन, मोर सोल्यूबल है किससे, अल्केन से, एंड लेस सोल्यूबल देन अल्कोहल। इन एक्यूस मीडिया वाटर के अंदर, वाटर के अंदर इनकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, अल्केन से ज्यादा होगी, अल्कोहल से कम होगी। अच्छा इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, बेटा ये इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, मगर ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, बेटा वाटर के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, खुद के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, मगर वाटर के साथ अल्कोहल के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी वजह से वाटर के जो हाइड्रोजन है उसके साथ ये बना सकते हैं बॉन्ड। ठीक है, मतलब इनका हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है अल्कोहल के साथ, ईथर के साथ, इन खुद के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, खुद के जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे फॉर्मल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड या इनके आपस में मॉलिक्यूल्स हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, मगर ये किसी और के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, वाटर के साथ बना सकते हैं, अल्कोहल के साथ बना सकते हैं, जिनके पास हाइड्रोजन डोनर हो, ठीक है, उनके साथ इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सेम सेम आपको आपको मिलेंगी फेडलर की बुक में भी पढ़ी है, पंजाब की बुक में शायद नहीं है, फेडलर की बुक में बेटा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है। ठीक है, तो आगे आते हैं, अब आते हैं रिएक्टिविटी, ऑफ कार्बोनल कंपाउंड्स, अगर हम देखेंगे कार्बोनल कंपाउंड को बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, दोनों में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये कार्बन एसपी टू है बड़े और ये कार्बन भी एसपी टू है बड़े, क्योंकि कार्नर के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन होती है, कार्नर तीन है इसके बेटा, देखो कार्नर के तीन है, एक कार्नर पे ऑक्सीजन है, दो कार्बन पे, एक पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ, एक पे हाइड्रोजन लगी हुई है, इसमें देखो दो कार्नर पे आर है, एक पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसका मतलब कार्नर के तीन हो गए, तो जिसके भी तीन कार्नर होते हैं उसमें हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू होती है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड होता है, कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो बेटा पोलर बॉन्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है और ऑक्सीजन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब इसके अंदर डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है, और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं बेटा, पाई बॉन्ड जो है वो मूव करते हैं, उनमें डीलोकलाइजेशन होती है, इस तरह देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, कहां पे जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया। इसका मतलब है इसके अंदर कार्बन
कार्बन जो इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, इसके अंदर कार्बन क्या है, कार्बन और ये क्या है, न्यूक्लियस फाइल। कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है, जो ऑक्सीजन है वो न्यूक्लियोफाइल है। इसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और कार्बोनल कंपाउंड्स हैं उनमें ये जो कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है इस पर न्यूक्लियोफाइल अट्टे करेगा। बेटा कार्बन देखो इलेक्ट्रोफाइल है तो इस पर अट्टे कौन करेगा, न्यूक्लियोफिल, न्यूक्लियोफाइल अट्टे करेगा। तो इनके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होंगे। कार्बोनल कंपाउंड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रोफिल कार्बन है। बेटा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इन पर अट्टे कौन करेगा, जो रिएजेंट के ऊपर अट्टे करेगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अट्टे करेगा कार्बन पे, न्यूक्लियोफाइल अट्टे किस पे करेगा, कार्बन पे, और जो इलेक्ट्रोफाइल अट्टे करेगा वो ऑक्सीजन पर अट्टे करेगा। देखो बेटा कोई भी रिएजेंट होगा ना, जब अट्टे करेगा इसके ऊपर तो न्यूक्लियोफाइल पहले अट्टे करता है, न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा किस पर, इस कार्बन पे, इलेक्ट्रोफिल कार्बन के ऊपर, और बाद में इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा वो किस पर करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर। तो इनिशिएट कौन करता है रिएक्शन को, इनिशिएट न्यूक्लियोफाइल करेगा। बेटा जो रिएक्शन है, जो अटैक की रिएजेंट होगा, जो इस पर अटैक करेगा, जो सबसे पहले अटैक करेगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल इस पर पहले अटैक करेगा और किस पर अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर, और इलेक्ट्रोफाइल बाद में अटैक करेगा वो किस पर करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि इसका बॉन्ड पोलर है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन इलेक्ट्रोफाइल नेचर का है और ऑक्सीजन जो न्यूक्लियोफाइल नेचर का है, इसलिए इसके ऊपर जो अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। बेटा इसके अंदर जो रिएक्शन होगा वो कौन सा होगा, तो कार्बोनल कंपाउंड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि अटैक न्यूक्लियोफाइल पहले करता है, इलेक्ट्रोफाइल बाद में अटैक करता है। क्योंकि मैकेनिज्म के हिसाब से यही होता है कि इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर लेता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और बाद में इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक करेगा मगर वो अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर, और जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कार्बन पे अटैक करेगा। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ठीक है रिएक्टिविटी इसकी ये है, अल्ड्रा रिएक्टिविटी, अल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव, देन कीटोन। बेटा जो अल्डिहाइड है वो ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन से। देखो अल्डिहाइड जो है ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन से, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, फॉर्मल्डिहाइड की। बेटा ये सबसे ज्यादा फॉर्मल्डिहाइड रिएक्टिव होगा, रीजन बताता हूं आपको। फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद एस्टर एल्डिहाइड होगा, फिर ये फॉर्मल्डिहाइड और एस्टर एल्डिहाइड, उसके बाद प्रोपाइन एल्डिहाइड होगा, उसके बाद कीटोन होगा, प्रोपेनोन होगा। बेटा एसीटोन मतलब ये लेस रिएक्टिव है एसीटोन, और फॉर्मल्डिहाइड देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद है एस्टाल्डिहाइड, उसके बाद है प्रोपाइन अल्डिहाइड, अब आते हैं हम रीजन की तरफ। बेटा दो चीजें इसके इफेक्ट करती हैं, देखो रिएक्टिविटी को, कार्बोनल कार्बन को। देखो ये कार्बोनल कार्बन है,
अगर इसके ऊपर ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगी बेटा, देखो इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन अगर ज्यादा है, दो बल्कि ग्रुप लगे हैं इसके ऊपर बेटा, ये कार्बोनल कार्बन है जिसके ऊपर दो बल्कि ग्रुप लगे हुए, ये दो बल्कि ग्रुप लगे हुए इसके साथ। रिएक्टिविटी तो इसकी, ये कार्बोनल कंपाउंड की है बेटा, रिएक्टिविटी रिएक्शन में कौन सा ले रहा है, कार्बोनल कार्बन ये हिस्सा लेता है रिएक्शन में, ये रिएक्शन हिस्सा लेता है ठीक है। और उसके जो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं बेटा, उस कार्बोनल कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप लगे हुए ठीक है, उनका साइज लार्जर है तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा कर देते हैं न्यूक्लियोफाइल के लिए, जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है उसके लिए स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा कर देते हैं। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी ज्यादा होगी, जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी बेटा। ये अल्काइल जो ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप और ये अल्काइल ग्रुप ठीक है, ये दोनों क्या कर देते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा कर देते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ द अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप की जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो न्यूक्लियोफाइल के लिए एक रुकावट पैदा कर रही है, इनका मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है हुजूम, जो अल्काइल ग्रुप है इसका हुजूम है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का रीच करना बहुत मुश्किल है, यहां तक न्यूक्लियोफाइल पहुंच नहीं पाता, रीच नहीं कर पाता, ये रुकावट डाल रहे हैं, ये जो अल्काइल ग्रुप है समझे, इसके अंदर रुकावट डाल रहे हैं और न्यूक्लियोफाइल को पहुंचने तक, यहां तक न्यूक्लियोफाइल रीच नहीं कर पाएगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। हाँ अब आते हैं फॉर्मल्डिहाइड पे, तो फॉर्मल्डिहाइड में देखो कोई रुकावट नहीं है, हाइड्रोजन है कोई रुकावट नहीं है बेटा, हाइड्रोजन है सिंपल हाइड्रोजन है, और न्यूक्लियोफाइल इजीली अप्रोच कर सकता है इसका, जो न्यूक्लियोफाइल होगा यहां पे इजीली अप्रोच करेगा, और यहां पे न्यूक्लियोफाइल इजीली अप्रोच नहीं कर सकता, किसकी वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। तो बेटा जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी कार्बोनल कार्बन पे, जितनी कार्बोनल कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, रेट ऑफ जो है रिएक्शन जो होगा स्लो हो जाएगा, और जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, इसलिए इसका रिएक्शन फास्ट होता है, इसका रिएक्शन स्लो हो जाता है। अच्छा एक चीज और, कार्बोनल कार्बन जितनी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगी, उतना इजीली इस पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल कार्बन का बॉन्ड जो बनेगा मजबूत बॉन्ड बनेगा, स्ट्रांग बॉन्ड बन जाएगा और जल्दी बॉन्ड बन जाएगा, जितनी इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगी बेटा, जितनी जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है ना उसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगी, उतना न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो इजी होगा, और न्यूक्लियोफाइल के साथ उसका जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रांग बॉन्ड बन जाएगा। अगर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम है तो उसका मतलब वो न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक तब करेगा जब जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज्यादा होगी, जहां पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगी। तो यहां पे क्या होता है बेटा, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और ये अल्काइल ग्रुप है, आपको पता है अल्काइल ग्रुप जो होते हैं ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है बेटा, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है किसको, कार्बोनल कार्बन को, ये क्या करेगा अल्काइल ग्रुप कार्बन को रिलीज करेगा, ये तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगी, इनके इलेक्ट्रॉन आने से क्या होता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स को सेंड कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को सेंड कर रहा है, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये जो अल्काइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, किसको इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, कार्बन के ऊपर, और कार्बन के ऊपर समझे पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, जो इसका इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर उसको कम कर रहा है बेटा, इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर है उसको क्या हो रहा है, कम कर रहा है अल्काइल ग्रुप ठीक है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो कोई इंटरेस्ट शो नहीं करेगा इस पर अटैक करने के लिए। और यहां पे देखो ऐसा कोई है ही नहीं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो बेटा अल्काइल ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इस कार्बोनल कार्बन को, कार्बोनल कार्बन का जो इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर वो कम हो जाता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक नहीं करेगा इजीली, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, कीटोन की रिएक्टिविटी कम होगी और इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो दोनों रीजन ये फेडर की
बुक में लिखे हुए, एक है साइज ऑफ द जो है सब्स्टिट्यूएंट्स या साइज ऑफ द अल्काइल ग्रुप, जितना अल्काइल ग्रुप का साइज लार्जर होगा, जितना अल्काइल ग्रुप का साइज लार्जर होगा उतनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा होगी न्यूक्लियोफाइड के लिए, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइड के लिए, ठीक है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। अच्छा दूसरी बात, अल्काइल जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं इस कार्बन को, और कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर को वो कम कर रहे हैं, और जब कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर कम होगा तो इसका मतलब है न्यूक्लियोफाइल जो होगा उस पर अटैक नहीं करेगा इजीली, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करता है जिसका कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर ज्यादा होता है, उस पर न्यूक्लियोफाइल जो होता है इजीली अटैक करता है, इस पर इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। तो दूसरा इफेक्ट था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, बेटा दूसरा क्या था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट किसका, सब्स्टिट्यूएंट्स का, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जिसकी वजह से। तो दो रीजन थे, दोनों आपको फेडर की बुक में मिल जाएंगे। अच्छा तो रिएक्शंस, बेटा कार्बोनल कंपाउंड्स रिएक्शन शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, देखो इसके जो रिएक्शन है वो कौन से हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एक है बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बेटा एक है बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अच्छा दूसरे होते हैं एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब है न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा, जो मैकेनिज्म होगा उसमें न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो पहले अटैक करता है किस पर, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, इसलिए इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो याद कर लो कार्बोनल जो कंपाउंड्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। अब इनकी दो टाइप हैं, एक बेस कैटलाइज्ड एक एसिड कैटलाइज्ड, ठीक है, उनमें एक में बेस कैटलिस्ट के तौर पर यूज होता है, अच्छा दूसरे में एसिड जो होता है वो एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। तो बेटा एक है बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अच्छा दूसरा है एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक में हम बेस को कैटलिस्ट के तौर पर यूज कर रहे हैं और दूसरे में एसिड कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो बेटा बेस कैटलाइज जो रिएक्शन तब होगा स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल हो, जब न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांगर होगा तो बेस कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, जो बेस है वो रिएजेंट के न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर को बढ़ाता है, बेटा जो बेस होगा वो रिएजेंट के न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर को बढ़ाएगा, ठीक है, बेस क्या करेगा जो रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, बेस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करेगा। देखो बेस का काम क्या है, रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करना, और स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा तो बेस कैटलाइज जो रिएक्शन होंगे वो उसके उसमें स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होता है, बेटा वहां पे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है स्ट्रांग होता है, ठीक है, और बेस न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करता है रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके, और जो एसिड कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिकेशन है वहां पे न्यूक्लियोफाइल वीक होगा, वहां पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा बेटा वीक होता है, फिर क्या करता है एसिड क्या करता है कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर को बढ़ाता है, एसिड क्या करेगा कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर को बढ़ाएगा ताकि वीक न्यूक्लियोफाइल भी इस पर इजीली अटैक कर सके। तो अब देखो दोनों का मैकेनिज्म प्रोडक्ट एक जैसा बनेगा, दोनों में जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक जैसा बनेगा, सिर्फ मैकेनिज्म का फर्क है, ठीक है, इसके अंदर स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होता है, बेटा जो बेस कैटलाइज है इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांगर होगा, इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल वीकर होगा, एक फर्क ये है। अच्छा यहां पे क्या होता है, जो बेस है वो रिएजेंट के न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर को बढ़ाएगा, रिएजेंट के न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर को बढ़ाएगा ताकि न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रांग बन जाएगा और वो इजीली अटैक करेगा किस पर, कार्बोनल कार्बन पे, इस कार्बन पे अटैक करेगा।
जबकि एसिड क्या करता है, एसिड कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ाता है, कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को क्या करता है वो बढ़ाता है, ताकि वीकली जो न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, उस पर इजीली अटैक कर सके। तो अब देखो बेटा, यहां पे स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, यहां पे वीक न्यूक्लियोफाइल, देखो ये नोट कर दो, यहां पे न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांगर होगा, इसके यहां पे न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, वीकर होगा। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं बेस कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, बेस कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसके बाद एसिड कैटलाइज। अब देखो जो बेस कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है बेटा, बेस कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इनमें क्या हुआ, जो बेस होता है वो न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करता है। बेटा बेस क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करता है रीजन के साथ रिएक्ट करके। देखो ये बेस है OH, और रिएक्ट करता है किसके साथ, HCN के साथ, ये रिएजेंट है। यह रिएजेंट अब इस तरह लिख देता हूं मैं, HCN नहीं लिखता हूं, H न्यूक्लियोफाइल लिख देता हूं, ठीक है। ये बेटा बेस है और ये रिएजेंट, देखो ये बेस है OH बेस, और अटैक किस पर कर रहा, रिएजेंट पे। और आपको पता है बेस किसको एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन को। बेटा बेस किस पर अटैक करेगा, प्रोटॉन पे अटैक करेगा, ठीक है, ये प्रोटॉन है तो बेस अटैक करेगा प्रोटॉन पे, वाटर बन जाएगा, और देखो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। देखो बेस ने रिएजेंट रिएक्ट कर लिया, बेटा बेस ने किस पर अटैक किया, रिएजेंट पर, और रिएजेंट में से प्रोटॉन को इसने एक्सेप्ट कर लिया, रिएजेंट में से प्रोटॉन को इसने निकाल दिया, और प्रोटॉन निकलने के बाद न्यूक्लियोफाइल बन गया। तो बेस ने समझे न्यूक्लियोफाइल को जनरेट कर दिया। बेटा देखो बेस ने न्यूक्लियोफाइल को जनरेट किया है, बेस ने न्यूक्लियोफाइल को प्रोड्यूस किया है, ठीक है, रिएजेंट में से। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पर, कार्बोनल कार्बन के ऊपर। बेटा ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पर, कार्बोनल कार्बन के ऊपर, इधर देखो, ये कार्बोनल कार्बन है, आपकी मर्जी है, यहां पे R लगा दो, यहां पे H लगा दो, जो भी आपकी लगाना चाहे। अगर यहां पे दोनों साइड पे H लगा देंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। अगर एक साइड पे R लगाएंगे, एक साइड पर H लगाएंगे तो बनेगा एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। अगर दोनों R लगाएं तो कीटोन बन जाएगा। तो बेटा ये हमने फॉर्मल्डिहाइड चलो बना लिए, ये फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन है। अब न्यूक्लियोफाइल इस पर टेक कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आएगी, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाएगी। तो देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी पार्शियल, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिल कार्बन पे। बेटा जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल की तलाश में है, वो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिल कार्बन के ऊपर, और ये बॉन्ड बन जाएगा। कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के दरमियान बॉन्ड बन गया, और ये बॉन्ड टूट गया, ये डबल बॉन्ड टूट गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल ने देखो पहले अटैक किया, कार्बोनल कार्बन पे किसने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने पहले अटैक किया, इसलिए इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, ठीक है, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब ये अटैक करेगा वाटर के ऊपर। देखो इसमें वाटर भी मौजूद है, देखो
ये वाटर मौजूद है। तो ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? वाटर के साथ। वाटर में से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये नेगेटिव आयन है, ये समझे बेस ही है बेटा। नेगेटिव चार्ज का मतलब ये क्या है? बेस ही है किसी का। ये अटैक करेगा किस पर? वाटर पे। और वाटर में से किसको एक्सेप्ट करेगा? प्रोटॉन। और बाकी बचेगा वो नेगेटिव ने बेटा, वो जो नेगेटिव था उसने प्रोटॉन को यहां से एक्सेप्ट कर लिया, और बाकी क्या बच गया? ओएच। वाटर के अंदर बाकी क्या बचेगा? ओएच। इसके मतलब है बेस, क्योंकि बेस कैटरस था। इसके अंदर बेस क्या था? कैटरस था, तो रिएक्शन से अलग हो गया। देखो बेस इसके अंदर कैटरस था, वो रिएक्शन से क्या हो गया? अलग हो गया, क्योंकि कैटरस जो था रिएक्शन से आखिर में अलग हो जाता है, प्रोडक्ट भी बन गया, एडिशन हो गई, एडिशन हो गई। देखो न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन पे अटैक कर दिया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया कार्बन के ऊपर, और ओ के साथ क्या लग गया? एच लग गया। ठीक है, तो ये एडिशन रिएक्शन है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसको कहते हैं। तो अब आते हैं एडिशन ऑफ एचसीएल। हाइड्रोजन साइनाइड बेटा, हाइड्रोजन साइनाइड के एडिशन कार्बोनल कंपाउंड्स के अंदर एचसीएल ऐड हो जाता है। अब एचसीएल बनेगा कैसे? जो एचसीएल हाइड्रोजन साइनाइड है वो बनता कैसे? वो बनता है NaCl, ओ सॉरी Na सोडियम साइनाइड प्लस एचसीएल के रिएक्शन से। बेटा सोडियम साइनाइड है, सोडियम साइनाइड और एचसीएल जब रिएक्ट करते हैं तो Na मिलेगा Cl के साथ, NaCl बनेगा, और दूसरा क्या बन जाएगा? HCl बनेगा। तो उसका मतलब है सोडियम साइनाइड जो है और HCl, ये सोर्स हैं किसके? HCl के। मतलब सोडियम साइनाइड और HCl रिएक्ट करके HCl बनाते हैं। ठीक है, तो अब जितने भी रिएक्शन ऐड करेंगे बेटा एडिशन रिएक्शन में, उसके अंदर ये रिएजेंट हम लेंगे, NaCl लेंगे और HCl। क्यों? क्योंकि ये एचसीएन बनाते हैं, एचसीएन इनसे बनता है। अब देखो फॉर्मल्डिहाइड है, प्लस एचसीएन और रिएजेंट कौन से लेंगे हम? एनएसीएन और एचसीएन। क्यों? ये एनएसीएन और एचसीएल जो है ये एचसीएन को बनाते हैं। अब क्या होगा इसके अंदर? डबल बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। बेटा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगी और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। अब बताएं पहले कौन अटैक करेगा? बेटा देखो कार्बोनल जो कार्बन था इसमें डबल बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी। अब पहले कौन अटैक करेगा? पहले अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। बेटा इसमें पहले जो अटैक करता है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इसलिए इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा? इस कार्बन पे। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है, अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिल कार्बन पे, तो सीएन इसके साथ लग जाएगा और एच इसके साथ लगेगा, और ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड साइनोहेड्रिन। फॉर्मल्डिहाइड साइनोहेड्रिन, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहेड्रिन बन गया। अब आते हैं दूसरे रिएक्शन पे, एस्टरडिहाइड। एस्टरडिहाइड प्लस HCN, बेटा एस्टरडिहाइड के अंदर HCN ऐड कर रहे हैं, सोडियम साइनाइड
और HCl, बेटा सोडियम साइनाइड और HCl किसके लिए? HCN को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, बांड ब्रेक हो जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है। ऑक्सीजन क्या करता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाएगा। हाँ अब बताएं कौन पहले अटैक करेगा? बेटा पहले अटैक करेगा साइनाइड। साइनाइड किस पर अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिल कार्बन के ऊपर, इसके साथ साइनाइड लग गया और एच इसके साथ लगेगा और ये बन गया एस्टालडिहाइड। साइनोहाइड्रिन बेटा, एस्टालडिहाइड साइनोहाइड्रिन बन गया। अब आते हैं एसीटोन प्लस HCN, NaCN और HCl, ये रिएजेंट्स हैं जो HCN को जनरेट करते हैं। अब क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है, इस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, इस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल साइनाइड और एच होगा वो बाद में अटैक करेगा इसके ऊपर। एसीटोन साइनोहाइड्रिन, हाँ साइनाइड के आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे बेटा, साइनाइड के आप अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस या बेसिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो आपको मिलेगा कार्बो ऑक्सलिक एसिड, ठीक है। बेटा साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से क्या होगा, साइनाइड है इसकी हाइड्रोलाइसिस है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हाइड्रोलाइसिस, अब साइनाइड प्लस प्रोड्यूस अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कैसे, इधर आप ये ले लो, एस्टर ले लो, ये बेटा ये सेम लिया हमने, एस्टर साइनोहाइड्रिन लिया हमने, एस्टर साइनोहाइड्रिन, इसके हम करते हैं हाइड्रोलाइसिस सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, एसिडिक मीडियम की मौजूदगी में। अब क्या होता है, साइनाइड जो ग्रुप होता है ना बेटा, कन्वर्ट होता है अमाइड के अंदर। साइनाइड की जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बनता है अमाइड, अमाइड से बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो CN ग्रुप है ना, साइनाइड ग्रुप याद कर लो, जब इसके हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बनता है अमाइड, बनाता है अमाइड के बाद बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, CWH में तब्दील हो जाएगा, इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी, CWH में तब्दील होगा और ये बन जाएगा CH3CHOH और CWH बन गया। याद कर लो, साइनाइड की जब भी आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है फाइनली, तो ये बन गया अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। वो किसकी, साइनाइड की हाइड्रोलाइसिस है, हाइड्रोलाइसिस हुई है, या इसको कहते हैं लैक्टिक एसिड, ठीक है। और दूसरा बनेगा अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये बन जाएगा बाय प्रोडक्ट, मगर मेन प्रोडक्ट ये है।
अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड या लैक्टिक एसिड। तो इन सब की जब भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो सी एन की जगह पे सी डबल ग्रुप लग जाएगा, इसकी भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो सी एन की जगह पे सी डबल ग्रुप लगेगा। ठीक है, तो बेटा आज इतना ही है, कल इंशाल्लाह आगे पढ़ लेंगे हम।